हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। आज हम पढ़ेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। जीएम क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ कि जीएम होता क्या है। तो आई थिंक एम के बारे में सबको पता होगा, अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या करते थे अर्थमेटिक मीन में, हम बोलते थे कि दो नंबर जो है मेरे, कोई भी दो नंबर मैंने लिए, वो क्या होंगे, एपी में है, क्या है, एपी में है, और इनके बीच में एक नंबर मैं इंसर्ट कर दूं, इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन ए एंड बी एक नंबर सी मैंने ऐसा लिया कि अब जो ये तीनों नंबर है ना, मतलब अब जो ये सीक्वेंस बना ए सी बी, इन दोनों के बीच में नंबर आया बाद में नहीं ना पहले, इन दोनों के बीच में एक नंबर सी मैंने लिया कि अब ये जो सीक्वेंस है ये किस में बन जाना चाहिए, एपी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बीच वाला नंबर क्या कहलाता था मेरा, इसको बोलते थे अर्थमेटिक मीन और एम। सेम कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन में वर्क करेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, सेम मान लो दो नंबर है मेरे पास ए और बी, इनके बीच में एक नंबर सी इंसर्ट कर दो कि अब ये जो सीक्वेंस बना, रिजल्टिंग सीक्वेंस बना, रिजल्टिंग तीनों नंबर जो हैं वो क्या बना के दे, ये भी मेरी जीपी अगर बन जाती है तब मैं बोलूंगा कि सी मेरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। समझ में आ गया, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास टू और एट, एक ज्योमेट्रिक मीन 2, 8, 32 एंड शोन, मान लो ये मैंने जीपी ले ली, ये एक जीपी है। मैंने इसकी कोई भी दो टर्म उठाई, लेट मैंने पहली दो टर्म उठा ली 2 और 8 सॉरी, इनके बीच में एक नंबर ऐसा लगाओ ताकि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी मेरा क्या हो, जीपी में ही हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मान लो मैंने 4 लिख दिया, तब देखो चेक तो क्या है जीपी में, बिल्कुल है। 4 / 2 करोगे यू गेट 2, 8 / 4 करोगे यू गेट अगेन 2, यानी आर दोनों ही कंडीशन में सेम मिल रहा है। तो ये मेरा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बना, ये क्या था, एक जीपी थी, जीपी की कोई दो टर्म ली मैंने, उनके बीच में एक नंबर रखा, ठीक है, और वो नंबर रखने से भी मेरा ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये मेरा जीपी में ही है। तो इट मींस दिस 4 इज योर ज्योमेट्रिक मीन, ये 4 मेरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये तो होगी एग्जांपल की बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं निकालूं कैसे, ठीक है, ये जो मैंने बहुत छोटा नंबर लिया 2 और 8, बीच में मैंने बता दिया 4, ऐसे ही मैं बड़े बड़े जैसे 8 और 32 भी लेता, ठीक है, तो मैं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, बट इतने भी छोटे नहीं, और बड़े नंबर जो है तो क्या करोगे। तो सिंपल सा तरीका है, हमने जीपी में पढ़ा हुआ है कि मैंने दो टर्म ए और बी जैसे रैंडमली अभी पहले ली थी, उनके बीच में एक नंबर सी इंसर्ट कर दिया ताकि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बन रहा है ये भी मेरा क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, ये मैंने बोला। तो मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा तरीका क्या है, अब मुझे पता है कि अगर ये तीनों टर्म मेरी जीपी में है तो क्या होगा, तो ये होगा कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म मीन सी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय सेकंड बी डिवाइड बाय सी के इक्वल होगा। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो सी इंटू सी दैट बिकम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ए इंटू बी, मुझे सिर्फ सी चाहिए तो रूट ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा, यस और नो, दैट इज योर आंसर। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा, आई बस समझ में भाई, ठीक है। सॉरी, तो ये मेरा क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। जैसे लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूं, मान लो मेरे पास 2 और 8 दो टर्म्स थी, ठीक है, इनके बीच में मुझे क्या करना है, जीएम निकालना है, बीच का क्या निकालना है, जीएम निकालना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिखा, अभी अभी मैंने फॉर्मूला दिया कि रूट ऑफ ए बी होना चाहिए, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो दोनों हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उनका रूट कर दो, यानी रूट ऑफ 2 × 8, 8 × 2 = 16, 16 का रूट करोगे तो क्या मिलेगा, 4, आई थिंक आपका आंसर यही था, ठीक है भाई, इजी, दैट्स इट। अब ये होने के बाद सिंपल, ये तो सिर्फ एक ही जीम इंसर्ट किया मैंने, अब मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे एक नहीं करना, मुझे 5 करने हैं, मुझे 10 करने हैं, मुझे 20 करने हैं, मुझे 3 करने हैं, 7 करने हैं, फिर क्या करें, ये तो सिर्फ एक के लिए हुआ, जैसे एम में भी एक के लिए होता था, फिर एन टर्म्स के लिए करते थे। तो सिमिलरली अगर मुझे, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड ए जीएम, अगर मुझे सिंगल जीएम एक ही टर्म अगर मुझे इंसर्ट करनी हो तो, ठीक है, अब मुझे एन नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसमें करनी हो, इंसर्ट करनी हो, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो अब देखो कि मान लो मेरे पास एक नंबर मैंने ए लिया और बी लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे कितनी करनी है, एन टर्म्स क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, एन टर्म्स मुझे क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो भी जीपी में ही होना चाहिए, ये कंडीशन मेरी रहेगी। इनके बीच में आप कितने भी नंबर लगा दो, वो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए मेरा, जीपी में ही होना चाहिए। तो उसका हम जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। एन जीएम का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए, देन मान लो मैं जीएम को कैपिटल जी से डिनोट करूंगा, दैट इज जी1, जी2,
Z3 एंड शोन अप टू कहां तक जाएगा ये? अप टू ये Gn तक जाएगा एंड द लास्ट उसके बाद क्या आना चाहिए? B, क्योंकि मुझे A और B के बीच के नंबर्स डालने हैं। यहां पे क्या करना है? A और B के बीच के नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया भाई सीक्वेंस। अब यहां से ये G1 G2 G3 निकालूंगा कैसे मैं? तो उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, देखो क्या होगा। अब आपसे पूछूं, ये एक मेरी जीपी बन गई, मैंने इतने टर्म्स इसमें इंसर्ट कर दी, इसके बाद ये जो रिजल्ट सीक्वेंस बना मेरा, ये क्या है? मेरी एक जीपी है। तो आपसे पूछूं कि ये बी जो दिख रहा है ये कौन सी टर्म है इस जीपी की? अब भूल जाओ कि मैंने टर्म अंदर डालती, ठीक है, ये रिजल्ट बन गया। तो बी कौन सी टर्म है इसके बीच? तो मैंने देखा कि एन टर्म्स तो यहां पर है मेरी, एक ये होगी तो एन प्लस वन, और ये क्या होगी? एन प्लस टू टर्म। इसका मतलब बी को मैं बोल सकता हूं कि ए एन प्लस टू टर्म जो है आपकी वो है बी। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, सिमिलरली मान लो मैंने ए और बी दो हैं, इनके बीच में कुछ टर्म्स ले ली, जैसे 2, 4, 8 ये ले ली, तीन टर्म्स मैंने ले ली। तो आपसे पूछू बी कौन सी टर्म है? तो तीन तो बीच में थी, एक आगे है और एक ये रही, तो टोटल कितनी होगी? टोटल 5, यानी फिफ्थ टर्म जो है मेरी वो बी है। यानी जितनी मैंने बीच में टर्म्स है मेरी प्लस 2 कर दो तो यू गेट द बी कौन सी टर्म्स होगी। इट मीन्स ए एन प्लस 2 टर्म इज बी। अब मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला भी मुझे आता है, हमने जीपी में जनरल फॉर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था कि ए एन इक्वल टू होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन। ये सुनो, यही होता है भाई, ए एन इक्वल टू ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अगर होता है, ठीक है, तो क्या मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए एन प्लस 2, ए मीन्स द फर्स्ट टर्म, ये तो एज इट इज रहेगी, मतलब मेरी फर्स्ट टर्म तो यही है। आर रेस टू पावर, आर क्या होता है? दो यहां पे जो टर्म निकालने होते हैं उसमें से एक कम पावर होती है आर की, तो ये हो जाएगी एन प्लस 2 है मेरी, एन की जगह क्या है? एन प्लस 2, और इसमें से एक कम कर दो दैट इज इक्वल टू बी। और अगर मैं फिर से सिंप्लीफाई करूं तो ए इंटू ये हो जाएगा आर रेस टू पावर एन प्लस 1 होल इक्वल टू बी। अब मैं इस ए को उधर लेके जा सकता हूं, बिल्कुल, तो ए को ले जाओ उधर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बी बाई ए, तो मेरा एज इट इज होल रेस टू पावर एन प्लस 1 है, उधर जाएगी तो पावर क्या जाएगी? 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। ये क्या आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस, यानी ये जो जीपी थी मेरी जिसमें मैंने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, उसका जो कॉमन रेशियो है वो ये है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होल रेस्ट और 1 डिवाइड बाई जितने आपको जीएम इंसर्ट करने प्लस में 1, तो वहां से मुझे आर मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास ये है, फर्स्ट टर्म उस जीपी की ये है, कॉमन रेशियो जो है वो ये है। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास कॉमन रेशियो है, तो मैं क्या नहीं निकाल सकता उस जीपी का? सब कुछ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे जीवन निकालना हो, सिंपली मैं पूछता हूं, जीवन अगर मुझे निकालना हो फर्स्ट जीएम इस एपी का क्या होगा? तो मुझे दिखेगा कि इस जीपी में ये पहली टर्म है, तो G1 जो है एक्चुअली में इस जीपी की सेकंड टर्म है, मींस A2 की बात कर रहे हो आप, ये क्या है? इसकी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? ए आर रेस्ट बार 2 माइनस 1 मींस 1, तो ए आर ही हो जाएगा मेरा। ये सुनो सिंपल है, G1 मींस सेकंड टर्म, एज इट इज अगर मैं G2 की बात करूं तो वो क्या होगा? तो आपको लगेगा 1, 2, 3, दिस इज द थर्ड टर्म मींस A3 ऑल इक्वल टू G2 मींस ए आर रेस्ट टू पावर थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 दैट इज 2। एज इट इज अगर मैं A4 निकालू तो दैट बिकम G3 एंड दैट इज इक्वल टू AR³। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि G1 निकालोगे तो AR रेस्ट पावर 1 ही होगा, G2 निकालोगे AR रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, G3 निकालोगे AR रेस्ट पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे GN निकालना हो, मीन जनरल फॉर्मूला मैंने निकाल दिया किसी भी, तो ये हो जाएगा AR रेस्ट पावर N है तो N ही रहेगा। और अब एक चीज ध्यान रख लेना कि ये जो R है वो ये वाला है, ठीक है ना, ये यही वाला, बाकी तो आप यही निकालोगे, जो ओरिजिनल जीपी होगी वो आपको गिवन नहीं होगी, आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि मेरे पास ये 2 टर्म है भाई, और इनके पीछे मुझे 5, 10, 3, 2 कितने भी जीएम जो है इंसर्ट करने हैं, मींस इस एन की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है, और देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आई थिंक चीज समझ में आई, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूले बन गए ना। अगर मुझे सिर्फ सिंगल एक ही जीएम इंसर्ट करना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने देखा कि जीएम अगर एक इंसर्ट करना हो दैट इज रूट ऑफ ए बी, ठीक है, जो 2 टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उनका रूट निकाल दो। नंबर ऑफ करने हो यानी एक से ज्यादा अगर मेरे पास होंगे तो फिर भी मेरा फॉर्मूला कौन सा वर्क करेगा? आर ये ऐसे निकालो, आर निकालने के बाद जितनी भी टर्म्स निकालनी है उसके फॉर्मूले ये रहे आपके पास।
ठीक है भाई, सिंपल। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस, ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका है क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 9.3, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81। अब ये चीज ध्यान रखना, 3 and 81 के बीच में मुझे क्या करने हैं, दो नंबर इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट टू नंबर इन बिटवीन 3 and 81, शो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ZP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने, यानी इसके बीच में मुझे क्या करना है, 3 और 81 के बीच में दो नंबर होने चाहिए मेरे पास, लेट इट इज Z1 and Z2। और ये नंबर कैसे होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए कि चारों टर्म जब एक सीक्वेंस बनाएगी तो मेरा क्या होना चाहिए, वो जीपी में ही होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था आपका आर का, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर बाय चांस ये फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, तो सिंपली अब मैं आपसे पूछूं 81 कौन सी टर्म है, तो सिंपल सा आंसर आएगा ये फोर्थ टर्म है जीपी की। फोर्थ टर्म क्या है, 81, तो यहां पर फॉर्मूला लगा देना, यू गेट योर आर। लेकिन अगर आपका आर का फॉर्मूला देखो छोटा सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, डायरेक्ट याद है, तो डायरेक्टली सबसे पहला काम यही करो, आर निकाल लो। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला है मेरे पास B/A होल रेज टू पावर 1/(n+1)। ठीक है, क्या होगा, 1/(n+1)। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं जो जो है मेरे पास। तो आर क्या है मेरे पास, वो तो निकालना ही है। बी क्या है, जो लास्ट टर्म मीन्स 81। ए क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स 3 होल रेज टू पावर 1/(n) क्या है, n मतलब कितने जीएम मुझे इंसर्ट करने हैं, तो दैट इज 2, तो 2 n+1 दैट इज 3। सिंपलीफाई करते हैं, तो r इक्वल टू कैंसिल आउट करो क्या मिलेगा, 27, दिस इज 27 होल रेज टू पावर 1/(2+1)/(1/3), इट मींस क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, दैट इज 3, पता है, हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो ये मेरी किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे r की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आर की वैल्यू मिलने के बाद क्या निकालना है, मुझे जीवन और जी टू निकालना है। तो हमने फॉर्मूला किया था, बस आर मिल गया तो काम खत्म हो जाता है मेरा। जीवन मीन्स सेकंड टर्म इस एपी की, ठीक है, जीवन मीन्स इस एपी की सेकंड टर्म, यहां निकाल लेता हूं। जीवन का फॉर्मूला होगा ए आर, 1 है तो आर की पावर 1 ही आएगी। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी 1 निकाल रहे हैं तो आर रेज टू पावर आएगी नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म लेके चल जाते हैं, भाई फर्स्ट टर्म तो ये वाली है ना। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट टर्म ये वाली है, इसके बीच में नंबर डालने हैं तो ये सेकंड से स्टार्ट होगा, दिस इज योर सेकंड टर्म, द फॉर्मूला इज AR रेज़ टू पावर 2 - 1 मींस AR रेज़ टू पावर 1, पुट द वैल्यूज। योर फर्स्ट टर्म इज 3, R मैंने अभी भी निकाला, ये भी 3 ही है, तो 3 जा क्या हो गया मेरा, 9। ओके, सेकंड टर्म Z2, सेकेंड टर्म जो इंसर्ट करेंगे जीएम जो होगा सेकेंड, वो क्या होगा, G2 क्या होगा, अगेन AR स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, A इज 3, R मींस अगेन 3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 इज 27। तो योर जो दो जीएम इंसर्ट करने, वो क्या होगा, 9 and 27। तो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा, रिजल्टिंग जीपी जो होगी, वो क्या बनेगी, दैट इज योर 3, देन उसके बाद 9, देन 27 एंड देन 81, दिस इज योर रिजल्टिंग जीपी, रिजल्टिंग सीक्वेंस। सिंपल है, हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक और देख लो इसी में, नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में उसने बोला है इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256, शो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। नाउ वी हैव टू इंसर्ट 3 in between 1 and 256। हटा दो इसको, आई थिंक फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब मेरे पास जो है वो है 3 और 81 की जगह मेरे पास है 1 and 256, और बीच में कितने जीएम इंसर्ट करने हैं मुझे, 3। ठीक है, इंसर्ट 3 numbers, इनके बीच में कितने नंबर आने चाहिए, 3 नंबर आने चाहिए। इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसे होने लगे, 1 होगा, देन G1 होगा, देन G2 होगा, देन G3 होगा, एंड देन 256 होगा, ये कुछ ऐसे होने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास सब कुछ है, आर निकाल दें। तो आर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, आर का फॉर्मूला था सर मेरे पास B/A होल रेज टू पावर 1/(n+1), यही था। अब कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि इस आर को डायरेक्टली कैलकुलेट करने के बजाय कुछ ऐसे भी करते हैं कि मैं जीवन का मेरे पास फॉर्मूला होता है AR,
तो मैं आर की वैल्यू यहीं पुट कर दूं, यानी मैं इसको ऐसे निकाल लूं कि ए इंटू बी बाय ए होल इज टू पावर वन बाय एन प्लस वन। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग कैलकुलेट कर लोगे तो भी अच्छा है। तो जी टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज योर ए आर स्क्वायर, इट मीन दिस बिकम ए इंटू बी बाय ए होल रेज टू पावर वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। अब इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मीन्स पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, वन इंटू टू दिस बिकम टू। तो अगर मुझे ऐसे ही जनरल टर्म ए एन निकालना हो, सॉरी जी एन निकालना हो, तो दिस बिकम योर ए आर रेज टू पावर एन मीन्स ए इंटू बी बाय ए होल रेज टू पावर, अब वहां पे वन डिवाइड बाय एन प्लस वन तो रहेगा। अब इसकी पूरी पावर क्या होने वाली है, एन, तो एन इंटू दिस दिस बिकम लाइक दैट। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करके निकाल दो, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आर निकाल लेते हैं, ठीक है, बी इज 256, ए इज 1 होल इज टू पावर 1 डिवाइड बाय एन, क्या है भाई, तो मैंने देखा तीन टर्म इंसर्ट करनी मुझे, थ्री टर्म्स मींस 3 प्लस 1 दैट इज 4, डायरेक्टली लिख दूं, नो प्रॉब्लम। 256 डिवाइड बाय 1 होल इज टू पावर 1 बाय 4, इट मींस सिंपली मैं बोल सकता हूं ये क्या है, 256 का फोर्थ रूट है भाई, 256 का क्या है, फोर्थ रूट। 256 का फोर्थ रूट क्या होगा, आई थिंक इट इज 4, दैट इज इक्वल टू 4, ये क्या होगा मेरा, 4 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कई बार, बच्चों को ऐसे लगने लग जाता है कि मैंने R का फॉर्मूला ये बनाया b by a whole raised to power 1 divided by n plus 1, ठीक है, सॉरी, तो 256 का 1 by 4th रूट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4, क्या प्लस माइनस 4 आना चाहिए, मैंने ये चीज़ आपको पहले बता रखी है, अगर मुझे कुछ ऐसे मिलता है कि x square is equal to 4, then the value of x is 2 possible plus minus 2, x की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, या तो प्लस का 2 या फिर माइनस का 2, बट अगर मैं बोलता हूँ x is equal to root of 4, then there is only one value possible, that is plus 2, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि रूट कभी भी, अभी प्लस माइनस टू हम x की वैल्यूज बताते हैं कि x की जगह पे आप प्लस 2 रख दो तो भी 4 मिलेगा इक्वल टू, माइनस 2 रखोगे तो भी 4 ही मिलेगा, ठीक है, और यहां पे x की वैल्यू बता रहे हैं, तो x की वैल्यू माइनस 2 पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इट मीन्स योर आंसर इज ओनली 4 नॉट माइनस 4 है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप यहां r को माइनस 4 भी निकालते हो तो जो आपकी टर्म मिलने वाली है, वो जो नेक्स्ट टर्म जो भी मिलेगी वो आपको नेगेटिव मिल जाएगी, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है तो 100% श्योर है कि सेकंड टर्म नेगेटिव आएगी, तभी तो कॉम्बिनेशन नेगेटिव आएगा, तो इन दोनों के बीच की टर्म नहीं होगी वो। ठीक है, सीक्वेंस जीपी ही बनाएगा वो, लेकिन 1 और 256 के बीच की टर्म नहीं होगी वो, क्योंकि नेगेटिव टर्म 1 से ही छोटी चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों कॉन्सेप्ट से, तो ये क्या आना चाहिए मेरा, प्लस का 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद मुझे तीनों जीएम निकालने, आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है, तो जी वन इज ए आर, पुट द वैल्यूज, ए क्या है भाई, दैट इज 1, आर क्या है भाई, आर तो मेरा 4 निकला है, तो दैट इज इक्वल टू 4, यानी पहली टर्म तो मिल गई 4। जी टू निकालते हैं, ए आर स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, ए इज 1, आर इज मीन्स 4 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 16। जी थ्री निकालोगे तो क्या होगा, ए आर क्यूब, इट मीन्स ए इज अगेन 1, आर क्यूब मीन्स 4 क्यूब, 4 क्यूब क्या होगा भाई, 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 256, इसका मतलब इसके बीच की टर्म्स क्या होगी, सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 4 16 64 एंड 256, दिस इज योर रिजल्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, मैंने कौन कौन सी टर्म इंसर्ट की, 4 16 एंड 64, ये माइनस 4 होता तो ये क्या होता, माइनस आता, ये माइनस 64 आता उस कंडीशन में। ठीक है, बट योर करेक्ट आंसर इज 4 16 एंड 64। ठीक है, ये सीक्वेंस भी जीपी बनाएगी, ध्यान रखना, अगर मुझे सिंपली बोला जाए कि कोई भी तीन नंबर होने चाहिए इसके बीच में, बस जीपी बनना चाहिए, तो ये वाले माइनस 4 16 माइनस 64 ये भी मेरे जीपी ही बनाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बट इन दिस केस योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच की टर्म्स चाहिए, और सेकेंड चीज जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो यही बताता है कि मुझे प्लस 4 ही मिलना चाहिए। हो जाएगा ज्योमेट्रिक में, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, दो टर्म्स है मेरे पास ए और बी, और ये क्या दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, शो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन
बिटवीन ए एंड बी, यानी इन दोनों टर्म्स के बीच में ये क्या है, मेरा एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन हमने निकालना सीखा था कैसे, कि दो नंबर अगर ए और बी है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा दैट इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए इंटू बी, यही होता है भाई, बिल्कुल ठीक है। और मुझे क्या गिवन है, यहां पे मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन होल डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन। अगर ऐसा है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मुझे एन की वैल्यू चाहिए क्या होगी। ठीक है, चेक करते हैं तो क्या किया जाए सबसे पहले। ठीक है, ए और बी दो ही टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, या तो मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली। बट मैंने देखा यहां पे मेरे पास रूट है तो थोड़ी सी चीजें मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मेरे को हाफ पावर हाफ में करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा देखो, यहां स्क्वायर करोगे दिस बिकम ए डॉट बी, रूट से कैंसिल आउट। इधर करोगे तो क्या होगा, इस टर्म ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय नीचे ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ए इंटू बी, ये तो ठीक है मेरा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स ए रेज टू पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, तो ए रेज टू पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, बी रेज टू पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस ट्वाइस ऑफ टू इंटू ए इंटू बी मीन्स ए रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू बी रेज टू पावर एन प्लस वन, सिंपल होल डिवाइड बाय, ये क्या होगा ए रेज टू पावर एन का स्क्वायर मीन्स ए रेज टू पावर एन होल स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर एन होल स्क्वायर एन प्लस टू इंटू ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन। ठीक है, इसके डिवाइड में वन लिख देता हूं, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, या फिर इस पावर को सोल्व करना चाहो तो इसको भी आप पहले सोल्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, हम एक काम करते साथ साथ कर लेते दोनों काम। तो देखो इसकी इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी टर्म की वन के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब सेम टर्म को एज इट इज लिखना। तो इसके ऊपर पावर टू है तो मैं इसको लिखता हूं ए रेज टू पावर, अब पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो एन प्लस वन की मल्टीप्लाई करूंगा मैं टू से, तो क्या हो जाएगा दैट बिकम ए रेज टू पावर टू एन प्लस टू। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, प्लस सेम बी के साथ होगा तो प्लस बी रेज टू पावर टू एन प्लस टू, ये तो एज इट इज जाएगा, तो प्लस टू इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू बी रेज टू पावर एन प्लस वन होल इक्वल टू। अब ए इंटू बी की मल्टीप्लाई मुझे ए रेज टू पावर एन स्क्वायर, ए रेज टू पावर एन होल स्क्वायर का मतलब है ये हो गया ए रेज टू पावर एन इंटू टू मीन्स टू एन, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे ए इंटू बी से, ए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, अब बेस सेम हो तो पावर एड हो जाएगी, यहां पावर टू एन है यहां पावर वन है, तो दिस बिकम ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन और इंटू हो जाएगा बी, ये चीज समझ में आ गई आई थिंक। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन इंटू बी, समझ में आया भाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई किया ए रेज टू पावर टू एन। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे बी लाइक दैट, तो जिसका बेस सेम है उनकी पावर तो ऐड हो जाएगी, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो ये लिख दिया मैंने साथ में, सेम एज इट इज जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो अब यहां पे क्या हो रहा है ए डॉट बी तो एज इट इज है, यहां ए की बजाय बी आ गया तो बी रेज टू पावर क्या होगा एन रेज बी रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर टू मीन्स दैट बिकम बी रेज टू पावर टू एन। अब बी बी बेस सेम है तो बी के साथ ए तो मेरा एज इट इज रहेगा प्लस ए, बट बी के क्या हो जाएगा 2n है यहां पावर 1 है तो दिस बिकम इनटू b रेज टू पावर 2n प्लस 1 एंड द लास्ट थिंग इज इसकी मल्टीप्लाई a डॉट b के साथ करो, यानी 2 इनटू या लिख दो 2 इनटू a रेज टू पावर n इनटू b रेज टू पावर n, इसकी मल्टीप्लाई a डॉट b से करनी है, बेस सेम है 2 एज इट इज दिस बिकम पावर एड n प्लस 1 दैट बिकम n प्लस 1, इन दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगी सॉरी b रेज टू पावर अगेन n प्लस 1, इसको लिख दो एज इट इज तो प्लस टू इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू बी रेज टू पावर एन प्लस वन, आई थिंक यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी।
ठीक है, ये और ये चीज आप दोनों को सेम लग रही होगी, इक्वल टू की दोनों तरफ है, साइन भी सेम है, टर्म्स भी सेम है, इसका मतलब मैं इनको कर सकता हूं कैंसिल आउट, ये पूरी की पूरी टर्म मैंने कर दी कैंसिल आउट। ठीक है, अब मेरे पास जो बचा उसको मैं लिख लेता हूं इकट्ठा, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं वहां पर, तो यहां पे है मेरे पास ए रेज टू पावर, एक बार मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ए रेज टू पावर टू एन प्लस टू प्लस बी रेज टू पावर टू एन प्लस टू होल इक्वल टू, इक्वल टू में क्या है, दिस इज योर ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन इन टू बी एंड दिस इज योर प्लस ए इन टू बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन, दैट्स इट। तो अब इसके आगे क्या किया जाए, ठीक है, तो अभी मुझे क्वेश्चन दिख रहा, और एक चीज समझ लो, आपने बेसिक क्वेश्चन 9th 10th में आप करते थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब मुझे पावर या बेस की बात हो रही हो, यानी जहां पावर और बेस हो, तो वहां पे नॉर्मली जो चीजें वर्क करती है वो करती है कि या तो बेस सेम कर दो या पावर सेम कर दो, तो उसी से मेरा आंसर निकलता है। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास दो दो अलग टर्म है दोनों तरफ, एक एक टर्म करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं काम करता हूं इन सारे टर्म्स को आगे उठा के ले आता हूं एक बार, तो ये मेरे पास एज इट इज ए रेज टू पावर टू एन प्लस टू। ठीक है, अब मैं ये वाले टर्म को आगे लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे ए है, यहां पे भी ए है, दोनों की पावर पावर अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो मैं ये इधर आएगा तो माइनस ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन इन टू हो जाएगा बी। ठीक है, आप चाहो तो इसको उस साइड में लेके जा सकते हो, चाहो तो आपको इसको यहीं रख लो, यानी इसको इधर ले आओ, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, बट दोनों चीजों से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, ए डॉट बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन मैंने लिखा, इसको उधर ले गया तो दैट इज माइनस बी रेज टू पावर टू एन प्लस टू। अब यहां से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो मुझे नजर आया कि यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन, ये चीज समझ में आई भाई, इसका मतलब पावर यहां मान लो 3 होती, यहां 2 होती, तो मैं कम वाली पावर लेता, तो यहां 2n प्लस 1 है, इससे एक ज्यादा यहां 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 1 मैंने कॉमन ले ली, तो यहां क्या बचेगा। अब देखो कॉमन लेने का मतलब एक्चुअली मैं डिवाइड कर रहा हूं, और डिवाइड में जब बेस सेम हो तो पावर हो जाती है सबट्रैक्ट, 2n से तो 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 1 मेरे पास बचेगा 1, इट मींस a रेज टू पावर 1 मतलब a बच गया मेरे पास, ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास बचेगा यहां माइनस का p होल इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो फिर से, तो यहां से मुझे दिखा b रेज टू पावर 2n प्लस 1 ले सकता हूं मैं कॉमन, तो मैंने b रेज टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया, सेम जहां a के साथ हुआ, अब ये पूरा बाहर तो यहां तो a बचेगा, 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया तो यहां बचेगा सिर्फ b, अब इससे तो ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बची, दो चीजें बची, a रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर 2n प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को ले आओ एक तरफ। ठीक है, अब कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये आता है, इसका रिजल्ट ये निकाल दें कि a इज इक्वल टू b होगा, बट एक्चुअली मुझे वैल्यू निकालनी पहली बात तो n की, ठीक है, और दूसरी चीज ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है जब मैंने ये कैंसिल आउट किया। ठीक है, जनरली हम इसको आंख बंद करके कैंसिल आउट कर देते हैं, कभी भी मैथमेटिक्स में, ठीक है, जब ऐसी टर्म्स हो, जब आप कैंसिल आउट कर रहे हो, मींस अब एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको मैं इधर लेके आता तो a माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी होता, दोनों में कैंसिल आउट कर देता, बट मुझे पता है डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, और मैं कहूं कि ये चीजें मैं तभी कैंसिल आउट कर सकता हूं जब ये जीरो नहीं होगी, यानी a b के इक्वल नहीं होगा तभी मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, अगर a b के इक्वल है तो मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर तो ये जीरो हो गई, ठीक है, तो फिर मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, अगर ये कैंसिल आउट कर रहा हूं इसका मतलब ये है कि a इज नॉ, इसका मतलब ये है कैंसिल आउट करने का मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू b, आई वाज ऑन में, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नहीं भी रहे तो एक चीज समझ रहे, मुझे a भी नहीं n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू आप कैसे निकालो, बेस भी सेम नहीं हुआ, पावर सेम हुई है, पावर सेम होने से एन गायब हो जाएगा, तो मैं काम कर सकता हूं इस बी को मैं इधर लेके आता हूं, दैट बिकम योर ए डिवाइड बाय बी, अब ए की पावर भी 2n प्लस 1 है, बी की पावर भी 2n प्लस 1 है, तो दोनों को इकट्ठा लिख दूं। मैं बी को ले आया इधर पूरा उठा के, नीचे होगा दोनों की पावर सेम है, मैंने इकट्ठा लिख दिया होल इक्वल टू, यहां मैंने ये इधर लेके आया तो क्या बचा यहां पे 1, ए डिवाइड बाय बी रेज टू पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 है,
क्या इस वन की जगह मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस वन की जगह ये लिख दूँ ए डिवाइड बाई बी होल रेज टू पावर जीरो। क्या चीज़ समझ में आई? यहाँ पे मेरा वन आया था, वन की जगह मैंने ए डिवाइड बाई बी होल रेज टू पावर जीरो लिख दिया, और मुझे पता है किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन नहीं होता है। इसका मतलब मैथमेटिकली मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरा कॉन्सेप्ट लग गया कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो पावर अगर सेम होगी, इसको हटा दूं भाई, अगर पावर सेम होगी तो इसका मतलब ये है कि 2n plus 1 means implies that 2n plus 1 equal to 0, और we can say 2n is equal to minus 1, और we can say n is equal to minus 1 by 2, that's your answer। सिंपल है भाई, ठीक है, that's it। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जस्ट फॉर्मूले की, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें मेरी होगी कैंसिल आउट, बाकी जो टर्म्स बची ठीक है उन्हें मैंने ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बी वाले को एक तरफ कर लिया। इन द सेंस मतलब वैसे तो बी भी है यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब ये ए की पावर 2n की फॉर्म में जो थी उन टर्म्स को एक तरफ किया, बी की पावर 2n की फॉर्म में जो थी उनको एक तरफ किया, दोनों में से जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया, ये बाकी वाले टर्म मेरी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद जो चीजें बची उनको मैं एक तरफ लेके आया, वहां से मुझे बेस सेम मिल गया तो पावर भी इक्वल हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहाँ के भी रुक जाते हैं कि इक्वल टू वन मिल गया अब क्या करें। तो इक्वल टू वन कब होता है भाई, जब ये जीरो होगा, और ये जीरो कब होगा, जब एन की वैल्यू माइनस वन बाई टू होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट देखते हैं 28th। क्या बोला इसने, द सम ऑफ द टू नंबर इज सिक्स टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ दिस। इसने क्या बोला कि दो नंबर है, तो दोनों नंबर में अज्यूम कर लेता हूं, लेट द नंबर्स आर, लेट पी इज ए एंड बी। तो इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू, यस क्या बोला, द सम ऑफ टू नंबर्स मींस ए प्लस बी इज मतलब इक्वल टू सिक्स टाइम्स, मतलब सिक्स इंटू सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मींस सिक्स टाइम ऑफ देयर जीएम, then prove that the two numbers are in the ratio of this। तो मुझे prove करना है कि जो मेरे ratio, जो दो number है वो इस ratio में होंगे। ठीक है भाई, तो I think दो number है, उनका GM निकालना मुझे आता है, तो क्या निकाल सकते हो, yes बिल्कुल। तो GM क्या होगा, that is equal to root of AB। ठीक है, अब simple सा क्या करो, values put करते चलो, तो A plus B मैंने as it is रखा, 6 as it is रखा, GM क्या होता है, that is root of AB मैंने निकाला अभी भी। ये तो sound में आ गया, ये समझ में आ गया, तो बस थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है। ठीक है, मुझे इन दोनों टर्म्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इसका मतलब देखो, यहां पे ए बी है, यहां पे ए प्लस बी है, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे इनका रेशियो चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा मुझे एक चीज समझ में आती है कि मुझे ए और बी को अलग अलग करना है, यानी ये ए बी जो है ना ये मुझे दिक्कत दे रहा है, ये ए बी मुझे नहीं चाहिए, ये ए बी मुझे हटाना पड़ेगा यहां से। तो वो ए बी कैसे हटा सकता हूं उसका काम करना है। ठीक है, तो वो देखो, इस ए प्लस बी को मैंने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू इस सिक्स ए बी को मैंने लिख दिया थ्री इंटू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। अब ऐसा क्यों किया वो अगले स्टेप में समझ में आएगा। मैं इस टर्म को लेके जा रहा हूं इधर, यानी ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय, ये पूरा इधर आएगा, दैट बिकम ट्वाइस ऑफ रूट ए बी होल इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा थ्री, होल इक्वल टू मेरे पास थ्री हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं, ऐसा आंसर जब भी आपको मिलता है, ठीक है, जब प्रूव मोस्ट प्रोबेबली प्रूव करने वाले में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पे क्या लगने वाला है, सी एंड डी लगने वाला है, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगने वाला है यहां पे। वो क्या होता है, ठीक है, वो कुछ को बता होगा कुछ को नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर मेरे पास ए बाई बी इस टाइप में कुछ मिला हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सी एन डी अप्लाई करके मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसके इक्वल टू मैं लिखता हूं ए माइनस बी और प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। यानी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये किया कि न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर था, मैंने न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और न्यूमिनेटर में ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये चीज ध्यान रखना, ऊपर ऐड करोगे तो नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नीचे ऐड करना है, ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो सी एन डी से। ठीक है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड से, ये ध्यान रखो, तो वो वाला काम यहां पे कर दो, तो अप्लाइंग सी एन डी। ठीक है, क्या करूंगा मैं, अप्लाइंग और यूजिंग
सी एन डी क्या मिलेगा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट क्या मिलेगा भाई? तो मैंने बताया कि न्यूमिरेटर ये मेरा पूरा इधर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, उसमें ये ऐड करोगे तो प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गई। होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ए ऊपर प्लस किया तो नीचे करूंगा मैं माइनस, ये चीज समझ में आ गई। अब ऐसा मत कर देना कि इस तरफ तो अप्लाई कर दिया इस तरफ नहीं किया, ऐसा जो ऑपरेशन होगा दोनों तरफ होगा। तो यहां डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं मतलब वन, तो इसका मतलब ये क्या होगा थ्री प्लस वन। अब ऊपर प्लस यहां किया था तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए, यहां माइनस करो तो यहां भी माइनस करो, मतलब सेम ऑपरेशन होना चाहिए, जो न्यूमिनेटर में हुआ वही न्यूमिनेटर में दूसरी तरफ भी होना चाहिए, तो नीचे क्या होगा माइनस हो जाएगा। आई थिंक चीज समझ में आ गई, ठीक है। मैंने क्या किया सी एन डी मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, उससे मुझे ये मिल गया। अब ऊपर वाले टर्म कुछ दिख रही है क्या? कुछ लग रहा है, कुछ सॉल्यूशन हो रहा है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये टर्म कुछ ऐसे है, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए के ऊपर स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा ए। बी रूट के ऊपर स्क्वायर है तो बी प्लस टू ए बी, ये तो मेरे पास है ये चीज। तो इसका मतलब ये क्या बन गया भाई? ये तो बन गया मेरा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यस और नो? बिल्कुल। नीचे देखूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी, इसका मतलब ये बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, होल इक्वल टू थ्री प्लस वन दैट इज फोर, थ्री माइनस वन दैट इज टू, टू टू जा फोर। इतनी चीज आ गई समझ में? आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो सी एन डी अप्लाई होता है ना जी, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें अप्लाई होता है, और इसके बगैर उस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसने ये चीजें आसान बना दी, तो अब बस मेरे पास सॉल्यूशन बचा है, तो मैं इसको करता हूं, दैट इज योर रूट ए प्लस रूट पी होल डिवाइड बाय है मेरे पास रूट ए माइनस रूट पी। अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं दोनों के ऊपर ही क्या कर देता हूं, इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूं, होल इक्वल टू मेरे पास है दैट इज ओनली टू। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इसका रूट। मुझे किसका रेशियो चाहिए? मुझे तो ए और बी का चाहिए, इसका मतलब अब मुझे टर्म्स को अलग अलग करना है, तो डिवाइड बाय कर दो वन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसकी वन से करोगे यू गेट रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू, रूट टू की इससे करोगे तो यू गेट रूट टू इंटू रूट ए माइनस रूट टू इंटू रूट बी। अब मुझे ए और बी का रेशियो चाहिए, तो भाई ए वाले टर्म्स को अलग कर दो, बी वाले टर्म्स को अलग कर दो, तो रूट ए मेरे पास यहां पे है, ये इधर आएगा तो माइनस का रूट टू ए हो जाएगा इज इक्वल टू, रूट बी उधर जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का पहले से है तो माइनस का रूट टू बी एंड माइनस का रूट बी। कुछ कॉमन आ सकता है? सॉरी दिस इज रूट ए नॉट ए, रूट ए सॉरी, रूट ए बाहर निकाल लो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा वन माइनस रूट टू इज इक्वल टू, यहां से मैं रूट बी को बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो क्या बचेगा माइनस का रूट टू एंड माइनस का वन, ठीक है। बी को इधर ले जाते हैं ए दैट इज, तो रूट ए रूट बी रहेगा तो डिवाइड बाय रूट बी होल इक्वल टू, मेरे पास यहां बचेगा माइनस का रूट टू माइनस का वन होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर वन माइनस रूट टू। और एक काम कर सकता हूं मैं, यहां से माइनस कॉमन लेके इसको मैं ऐसे प्लस भी लिख सकता हूं, ये सुनो कर सकते हैं। मुझे किसका रेशियो चाहिए? दोनों टर्म्स यानी ए डिवाइड बाय बी चाहिए, ए रूट ए डिवाइड बाय रूट बी नहीं चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो रूट ए का स्क्वायर दैट इज ए, रूट बी का स्क्वायर दैट इज बी। अब इसका स्क्वायर करोगे देखो माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास बचा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। इसको कर लो सॉल्व, बस मेरे पास आ जाएगा आंसर ए डिवाइड बाय बी होल इक्वल टू रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू रूट टू इंटू वन दैट इज टू रूट टू होल डिवाइड बाय, नीचे करोगे तो वन का स्क्वायर वन रूट टू का स्क्वायर अगेन टू माइनस टू ए बी तो माइनस टू रूट टू, टू प्लस वन दैट इज थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू, टू प्लस वन अगेन थ्री माइनस टू रूट टू। आई थिंक ये प्रूव करना था कि ए और बी का जो रेशियो है वो ये मतलब ये होगा, ठीक है भाई। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट आई थिंक हो जाने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट चाहिए था, वो चीज़ें आपको मिल गई, तो एक बार करोगे तो हो जाएगा। देखो 29 में क्या बोला है,
इफ ए एन सी बी ए एम एन सी एम, मतलब उसने ए एम को रिप्रेजेंट किया है ए से, जी एम को रिप्रेजेंट किया है जी से, रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर्स आर, ये दोनों जो क्या हैं, दो नंबर हैं ए, लेट बी ए और बी, मैंने दो नंबर ले लिए, ठीक है, इन दोनों के क्या हैं ए एम और जी एम अगर हैं, तो इसने बोला है जो मेरे नंबर होंगे, जो मेरे नंबर होंगे मीन्स ए और बी जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए प्लस सी एंड ए माइनस सी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसने ये बोला है कि जो मेरे नंबर है ना वो निकाल के बताओ मुझे, मुझे बताओ क्या होंगे, ठीक है, और किसकी फॉर्म में होनी चाहिए वो, ए एम और जी एम की फॉर्म में निकाल के बताओ, सिर्फ सिंपल सा तरीका ये है इसका, ठीक है। तो जो चीजें होती हैं उसको वैसे करते हैं, ए एम यानी मुझे अगर ए निकालना हो इसका, तो ए एम क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी डिवाइड बाय टू। अगर मुझे जी निकालना हो यानी जी एम निकालना हो तो वो क्या होगा, रूट ऑफ ए बी होगा। ये बात आई समझ में, यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे ए या बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका ये है कि मुझे ए या बी की वैल्यू चाहिए और ए और जी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो अब इससे मेरा ए और जी निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ए या बी किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है जिसकी निकालना चाहो। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट टू उधर जाएगा, दिस बिकम टू ए, और मान लो मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो बी को उधर ले जाओ, तो माइनस का बी होल इक्वल टू ए, समझ में आ गया होगा आई थिंक ये। तो मैंने क्या किया, टू को उधर लेके गया टू ए, बी उधर जाएगा तो माइनस बी होल इक्वल टू ए, किसकी वैल्यू आ गई ए, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो जी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए की वैल्यू मैंने निकाली, दैट इज योर टू ए माइनस बी और इन टू बी मेरे पास एज इट इज। आप चाहो तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, ये टू ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, तो चीजें वही चलेगी, ए लिख दो चाहे बी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट को हटाएं पहले, रूट कटाओगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दिस बिकम योर जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, दिस बिकम टू ए, इस बी को अंदर लेते हैं टू ए बी माइनस बी स्क्वेयर। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए बी की वैल्यू, इन सब टर्म्स को मैं इधर लेके आता हूँ, तो बी स्क्वेयर सबसे पहले लिखता हूँ मैं, दैट बिकम बी स्क्वेयर, माइनस का है तो इधर आके प्लस, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस का टू ए बी, और ये टर्म इधर ही थी तो ये टर्म एज इट इज होल इक्वल टू जीरो। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकते हो, अब देखो इसके फैक्टराइज तो मैं कर नहीं सकता, तो बेटर क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है टू एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाई टू ए, पुट द वैल्यूज, ठीक है। ए कौन सा होता है एक्स स्क्वायर के साथ, बी जो एक्स के साथ होता है, सी कॉन्स्टेंट है, तो सेम एज इट इज। वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है हमें, तो एक्स की जगह किसका काम, एक्स का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी स्क्वायर के साथ क्या है वन है जी, तो मतलब ए तो वन है, बी क्या है, बी के साथ क्या है, दैट इज माइनस टू ए, साइन को मत भूल जाना, तो माइनस टू ए, दिस बिकेम आवर माइनस का टू कैपिटल ए, ठीक है। अब ये है मेरा माइनस बी, माइनस तो ये पहले से माइनस है, एक ये माइनस है, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, नाउ इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो अगेन बी तो मेरा यही है, माइनस का टू ए होल हो जाएगा स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए क्या है, बी स्क्वायर के साथ वन है तो इंटू वन, इंटू सी, सी क्या है, दैट इज जी स्क्वायर, तो दैट बिकम जी स्क्वायर, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय टू ए मीन्स बी स्क्वायर के साथ क्या है, अगेन इट इज वन, सॉल्व कर लो आपका आंसर मिल जाएगा, टू ए मेरा एज इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ दिस बिकम माइनस टू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, टू का स्क्वायर फोर, तो दैट बिकम फोर ए माइनस दिस बिकम फोर जी स्क्वायर, सॉरी ए का भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय टू। अब यहां से देखो इस टू ए को मैं एज इट इज रखता हूं, प्लस माइनस को एज इट इज रखता हूं, रूट ऑफ अंदर से मैंने फोर को ले लिया बाहर कॉमन, यहां बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई, होल डिवाइड बाय टू मेरे पास एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि अगर मुझे रूट ऑफ ए इंटू बी लिखा हो तो मैं इसको रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी लिख सकता हूं, ये चीज पता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहां पे है, फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, तो फोर का रूट अगर निकालोगे तो मैं इसको लिखता हूं रूट ऑफ फोर इंटू, यानी मैं इसको यहीं लिख के दिखाता हूं, रूट ऑफ फोर
इनटू रूट ऑफ दिस। फोर का रूट क्या होता है, दैट इज टू, तो फोर का रूट मैंने निकाल के लिख दिया दैट इज टू। और अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहां सबसे मैं टू कॉमन लेता हूं, ये टू कॉमन लोगे तो ये हट जाएगा, वन आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, वही बचेगा जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बट कुछ बोलेगी तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हो, प्लस ए तो एज इट इज, प्लस माइनस मेरा एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस पी ए माइनस बी, दैट्स योर आंसर, सिंपल है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना था, दिखने में डेंजरस था बट करना क्या था, सिंपली फॉर्मूले लगाओ, किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक की वैल्यू, दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी, उसको सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर मिल गया, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आर। इसने क्या बोला कि एक बैक्टीरिया है मेरे, ठीक है, वो क्या करते हैं हर घंटे में डबल हो जाते हैं, मतलब दो है तो चार, चार है तो आठ, ऐसे हो रहा है। इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मैंने देखा कि इनिशियली जो है ना मेरे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो 30 है, इसका मतलब A1 जो है मुझे 30 की बल है सबसे पहले। हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड फोर्थ एंड nth आवर, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, दो घंटे के बाद और चार घंटे के बाद और n आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे वो मुझे निकालना है। हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर फोर्थ आवर एंड nth आवर, ठीक है। तो A1 मुझे 30 की बना, अब डबल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, अगर मैं पूछूं कि A2 क्या होगा तो डबल का मतलब 60 हो जाएगा, ये चीज समझ में आई, ठीक है। डबल होने का मतलब ये है कि R जो है मेरा वो क्या है, 2 है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, वो ये है कि प्रेजेंटली मेरे पास ये था, एक घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो बैक्टीरिया कितने हो गए, डबल हो गए, मतलब 60 हो गए, कितने हो गए 60 हो गए। इसके एक घंटे बाद चेक करूंगा तो मेरे बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, यानी A3 अगर मैं निकालूं तो इसके डबल मतलब 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो आफ्टर 1 आवर है, ठीक है, तो बोल सकता हूं बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर, एज दिस मींस A2 उस जीपी की सेकंड टर्म जो है मुझे A1 एक घंटे के बाद बैक्टीरिया देंगे। मैं 2 आवर्स के बाद पूछू तो दैट बिकम 120, ठीक है, वो क्या होंगे 60 से 120 हो जाएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज आफ्टर फोर्थ आर पूछ दो, सॉरी आफ्टर थर्ड आर पूछूंगा तो दैट इज A4 मीन्स 240, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है, दिस इज योर 30 × 2, दिस इज योर 30 × 2^2 एंड दिस बिकम योर 30 × 2^3। तो सेम एज इट इज आफ्टर एन आर पूछू तो मैं आपसे क्या होगा, तो मैंने ध्यान से देखा, after 1 hour you have to find the second term, second hour you have to find the third term, after 1 hour you have to find the an plus 1th term, and that is simply ar raised to power n, or we can say a is 30, r is 2 raised to power n, that is your answer, simple, ठीक है। तो बस ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सब समझाने के लिए था, इस जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि a1 जो है 30 है, डबल हो रहे हैं हर घंटे बाद, मतलब r जो है वो 2 है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उसने कौन कौन से पूछा, उसने बोला सेकंड आर, आफ्टर सेकंड आर, तो दो घंटे के बाद मींस मुझे ये वाला आंसर देना है, A3 निकालना है, ठीक है। चार घंटे के बाद बोले आफ्टर 4 आवर्स बोला है, मतलब A5th टर्म ये भी मुझे निकालनी है, ये आप खुद से निकालना, nth आर के बाद An+1, तो ये तो जनरल फॉर्मूला बन गया मेरा, इसी में वैल्यू पुट करते रहो चाहे, यू गेट योर आंसर्स। आफ्टर एन आर दिस इज द फॉर्मूला फॉर आफ्टर एन आवर्स, तो अगर आफ्टर 2 आवर्स बोला है तो पुट द वैल्यूज ऑफ एन, क्या एन, एन इज 2, आफ्टर 3 आवर्स पुट हियर 3 एंड यू गेट योर आंसर, सिंपल। इसके दो क्वेश्चंस क्या बोला है, 31st, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने जमा करवा रखी है भाई, ठीक है, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ₹500, ठीक है, ₹500 है, और हमसे पूछा कि 10 अमाउंट टू बी इन 10 ईयर्स आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक, तो टाइम जो मुझे गिवन है दैट इज योर 10 ईयर्स,
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज योर 10% एनुअली है, मतलब 10% पर ईयर है, ये मुझे गिवन है। तो मुझे पूछा गया आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, तो एक तो सिंपल सा तरीका है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो मैं डायरेक्टली लगा दूँ, बस तरीका वही है, ठीक है। बट अब यहाँ जीपी के हिसाब से पूछा, तो मुझे इसको जीपी के हिसाब से बताना है बस, ठीक है। जो अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो आफ्टर 10 ईयर पूछा, मतलब 10 साल के बाद क्या होगा वो पूछा गया। तो अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं 1 साल के बाद क्या होगा भाई, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो A1 बोल दो, चाहे इसको A2 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। A2 मैंने क्यों बोला, ठीक है उसकी बात मैं बताता हूँ आपको। पहले A1 मतलब मैं निकाला हूँ कि अमाउंट जो है वो आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगी वो पूछा गया। तो उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है कि पी प्रिंसिपल 1+ रेट डिवाइड बाय 100 होल इज़ टू पावर T मीन्स टाइम। तो आपसे पूछूं कि A1 क्या होगा, तो आप आंसर दोगे प्रिंसिपल तो है सर 500, 1+R क्या है भाई, तो R है 10 एंड डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइम इज, मैंने पहले 1 साल बाद ही बोला है, 10 नहीं लिया है मैंने अभी 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर लिया, तो दिस बिकम योर 500 × 2। सो कैलकुलेट करोगे तो 0 और 0 कट कैंसिल, 1/10+1 करोगे तो 10+1 दैट इज 11/10 मीन्स 1.1, तो 500 × 1.1 रुपीज ये आ जाएगा आपका। सिंपली अगर मैं आफ्टर 2 ईयर पूछूं आपसे 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा आंसर होगा 500। अब देखो इसको मैंने कैलकुलेट करके 1.1 निकाला, तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह 1.1 ही रख देता हूँ। अब टाइम की जगह पे क्या चेंज होगा, रेट तो वही है, टाइम यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आफ्टर 3 ईयर पूछूं तो आपका आंसर सिंपल सा होगा 500 × 1.1 raised to power 3, सॉरी। तो आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, तो दैट इज सिंपली बिकम 500 × 1.1 raised to power 10 रुपीज, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब बच्चे बोल सकते हैं सर सिंपल सा फॉर्मूला था, डायरेक्टली लगाओ सॉल्व कर दो, ठीक है। तो बस जीपी के हिसाब से बताना था, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी तो वो फॉर्मूला ये डायरेक्टली निकालोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस जीपी के हिसाब से मुझे बताना था, तो इसलिए मैंने बताया। तो मैंने यही बोला ना, ये मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, अब ये सेकंड टर्म बन जाएगी, ये थर्ड टर्म बन जाएगी, ये फोर्थ टर्म बन जाएगी, और ये कौन सी बनेगी भाई 10th से 11th टर्म बन जाएगी। मीन्स आफ्टर 10 ईयर जैसे लास्ट वाले में किया था एक एक बढ़ के, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो बस आर कैसे निकालोगे, इससे मेरी आर निकल जाएगी जिसकी पावर मुझे रखनी है, ए मेरी फर्स्ट अमाउंट है, ठीक है। तो आसान सा था, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। If AM and GM of roots of a quadratic equations are 8 and 5, इसने क्या बोला कि मेरे पास एक quadratic equation है भाई, और उसके जो roots है ना, उसके root, तो let the roots are, मैंने मान लिया कि A और B alpha beta जो आपकी इच्छा हो वो मान लो, ठीक है, better रहेगा alpha beta ले लेते हैं चलो, ठीक है, क्योंकि हमें याद आता है quadratic equation में alpha beta root मानने के, ठीक है। तो let the roots are alpha and beta। अब इसने क्या बोला कि इफ एम एंड जी एम, एम एंड जी एम मैथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 और 5, मतलब अल्फा और बीटा का एम क्या गिवन है मुझे 8, यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 मुझे गिवन है। इनका एम जो है वो क्या गिवन है मुझे 8 गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 यही तो एम होता है, वो मुझे गिवन है 8, एंड जी एम मुझे गिवन है 5, मीन अल्फा बीटा का रूट अगर मैं कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 5, ये मुझे गिवन है। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या कर जाएंगे, इनको सॉल्व करने बैठ जाएंगे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने में, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। क्यों नहीं है, उसका रीजन मैं देता हूं। जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि 2 रूट मुझे गिवन है और उससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते कि x²-α+β मींस sum of the roots into x and plus alpha beta, ये मेरा क्या बन जाता था, quadratic equation, required quadratic equation होती थी अगर मेरे पास क्या है, 2 roots हैं, and this is your, sorry लिखा नहीं मैंने, product of the roots, ये क्या होता था मेरा, product of the roots होता था, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे दोनों चीज दिख रही है, sum of the roots are there, इसका मतलब अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो मैं इसको कह दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ले जाओ 8 2 16,
मिल गया भाई, बिल्कुल मिल गया। अल्फा बीटा चाहिए तो रूट उधर जाएगा, तो स्क्वायर मीन्स अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, लिख दोगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 16 के साथ एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा मीन्स 25, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल हो जाएगा, दैट्स इट। तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है, बाकी करेंगे कल, अभी के लिए थैंक यू।